हमारी बोलने की स्पीड ऐसा नहीं हो सकती जैसे हम बोलते हैं वैसे बोलेंगे, लेकिन आपने कोशिश करनी समझना है बात जो हम कर रहे हैं समझने की कोशिश करनी है। ठीक है ना, आज जो है ना मैं आपके लिए ये देखिए रेशमी कपड़ा, मेरे पास ये रेशमी कपड़ा है, ये बड़े अर्ज में है, बड़े अर्ज में है। ये इसका अर्ज जो है ये है, इसका अर्ज जो है 26 इंच का अर्ज है, 26 इंच का अर्ज है, तो है रेशमी। इसको कटिंग करेंगे, ठीक है, इसका कटिंग थोड़ा सा मुश्किल है, जो छोटे अर्ज में है उसकी थोड़ी आसान थी, थोड़ी इसकी मुश्किल है, लेकिन मुश्किल इतनी भी नहीं है, समझ आ सकती अगर आप गौर से वीडियो देखें तो वीडियो पूरी देखा करें, वीडियो स्किप ना कीजिएगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझ लगे, लेकिन कोशिश करें कि मेरी बात को समझ लेगी। तो ये देखें, तो व्यूअर्स इसका इसका जो घेर है वो है 23.5 इंच, इसका जो नाप वाला घेर है आर्मी का, जो हमारा जो क्लाइंट है उसका घेर है 23.5 इंच, हमने काटना 24.5 इंच, 24.5 इंच इसमें से ये है 26 इंच, इसमें 24.5 इंच निकल रहा है, 24.5 इंच इसमें निकल रहा है, तो हमने इसको सिंगल लंबाई उतारनी है, सिंगल लंबाई उतार के हमने इसकी ये है सिंगल लंबाई हमने इसकी उतारनी है, 39 इंच इसकी लंबाई है, 41 इंच हमने कटिंग कर देना है, ये 41 इंच हमने कटिंग कर देना है। सिंगल लंबाई में से इसका घेर निकल आएगा, फ्रंट और बैक सिंगल लंबाई में से निकल आएगा, इसलिए हम ये इसकी ऐसे डबल करके हमने इसके इधर से ये हमने कटिंग कर देना, ये होगी फ्रंट और बैक सिंगल लंबाई में से, तो फ्रंट और बैक इसका निकल रहा है, फ्रेंड्स जो हमारा कटिंग में है ना, दो स्टेप होते हैं सलवार के, दो स्टेप होते हैं कमीज के, बाजू और फ्रंट बैक, और सलवार का एक इस साइड वाली साइड, एक इस साइड वाली साइड, दो साइडें होती हैं, इसमें चार स्टेप होते हैं। अब मैंने एक स्टेप काट लिया है कमीज का, ठीक, अब मैंने सलवार काटनी है, सलवार है इसकी 39 इंच, 39, 40, 41, 42, 3 इंच ज़्यादा हमने सलवार की लंबाई काटनी है, ये 43 इंच, 43 इंच जो है ना हमने इसकी लंबाई काटनी है सलवार की। तरतालीस इंच हमें इसकी लंबाई काटनी है, ये देखो डबल लंबाई उतार के, डबल लंबाई करके हमने इस तरीके कर लेना, ये देखो ये बाजू का कपड़ा जो कराया हमारे पास, ये फ्रंट और बैक निकल आया, तो फ्रंट ये देखें ये दो स्टेप हो गए, 4 मीटर में से दो स्टेप हो गए इसके फ्रंट बैक और बाजू, अच्छा फिर उसके बाद दो स्टेप हो गए हमारे सलवार के, सलवार के इसमें से हमने निकाली सलवार, वो है फ्रंट बैक। उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी फ्रंट बैक और लंबाई हमने कैसे उतारनी है, रेशमी कपड़ा इस पर इस्त्री मारनी है, लेकिन इतनी मारनी है कि ये कपड़ा बर्दाश्त कर सके, ज़्यादा इस्त्री गर्म नहीं मारने क्योंकि ये कपड़ा सूख जाता है, शिलिंग हो जाता है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी, ना समझ लगे कमेंट्स करके पूछ लिया करें, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।